जो तिब्बत जो है चीन ने साल 1959 से कब्जा किया था उसी से लेकर अभी तक 60 साल के अंदर तिब्बत का जो मोनेस्ट्री 6000 से ज़्यादा तोड़ चुका है। अभी जो लेटेस्ट जो है 2008-09 से लेकर जो हमारे तिब्बत में दो सबसे बड़े हमारे मोनेस्ट्री याचिनगढ़ और हरुंगढ़ है उसी के ऊपर जितना भी हमारे का जो गुरुजी है पढ़ाई करने वाला बुद्धिस्ट का धर्म मानने वाला और पढ़ाई करने वाला वो लोग भी अभी वहाँ से भगाना और जितना भी मंदिर का जो एरिया है बिल्डिंग स्ट्रक्चर वही तोड़ने का काम चालू कर चुका है। उसी के खिलाफ पे हम जो यहाँ तिब्बत जितना भी परिसर तिब्बत यहाँ इंडिया में है जहाँ देश विदेश में आवाज़ उसी के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। चाइना को पूरी चाइना और चाइना ने जितने देशों के ऊपर कब्जा किया उनको पूरा चाइनीज बनाना चाहते हैं, तो उनको लग रहा है कि ये तिब्बती जो है वो चाइनीज क्यों नहीं बनते। 70 साल हो गया चाइना तिब्बती को कुचलते, तिब्बती संस्कृति संस्कार भाषा पूरा नकार के पूरा चाइनीज बनाना चाहते हैं, लेकिन तिब्बती जो है अपने भाषा अपने संस्कृति बहुत मानते हैं, यही हमारा पहचान है। तो चाइना के दुश्मन बन गया तिब्बती संस्कार और तिब्बती बौद्ध धर्म के मंदिर, जहाँ जहाँ तिब्बती सोच तिब्बती संस्कार रखते हैं उसको निचोड़ना और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने 6000 तिब्बती मोनेस्ट्रीज को दबा कर दिया, तिब्बती मठों को दबा कर दिया और ख़त्म कर दिया। फिर भी तिब्बती सोच जो है उन्होंने कभी ख़त्म नहीं कर पाया, इसीलिए आज तिब्बती लोग है अभी उभर के जिंदा है और हम अभी भी तिब्बती आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं और हमारा संघर्ष जारी है खास करके तिब्बत में। अब 6000 मोनेस्ट्रीज मठों को ख़त्म करने के बाद दो रह गए हैं, एक है पोटाला पैलेस जहां दलाई लामा जी पहले रहते थे और दूसरा झोकांग टेंपल जिसमें गौतम बुद्ध की सबसे अहम मूर्ति वहाँ है। इन दोनों को ख़त्म नहीं कर पाए, जो कि दोनों के ऊपर उन्होंने वार किया, उन्होंने तोपे भी डाले थे लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी जिंदा है। ये दोनों जो है तिब्बती की तिब्बत में बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी निशानी है। वर्तमान परिस्थिति हम सब जानते हैं, चाइना ने फैलाया कोरोना वायरस, सबसे जहरीली महामारी पूरा दुनिया में फैलाया और गुमराह कर रहा है पूरा दुनिया को, लेकिन चाइना के आम जनता को गुमराह नहीं कर पाया, तो वहाँ अपने आप को सरकार उथल पुथल होने वाला है। तो इसीलिए हमेशा जब जब चीन शासन जब जब अंदर संकट आता है तो वो लोगों की दिशा को खींचने के लिए गुमराह करने के लिए बाहर वो कुछ ना कुछ दिखाते हैं। तो ये यही आज जो है भारत के जैसे गलवान में उन्होंने ऐसे ही उन्होंने वहाँ पर तमाम सेना खड़ा करके 20 भारत के सेनाओं का अपने देश के संरक्षण करने वाले सीमा संरक्षण करने वालों का इन्होंने जान लिया और इस तरह अब वो समस्या का थोड़ा बहुत वार्तालाप के समाधान हो रहा है, तो फिर अरुणाचल प्रदेश में हस्तक्षेप कर रहा है इसी तरह। तो ये अपनी जनता को गुमराह करने के लिए कि हमारे देश में बाहर से बहुत खतरा है, तो फिर लोग सोचेगा कि वो कोरोना वायरस जो है वो महामारी का थोड़ा इन लोगों का दिमाग जो है वो परिवर्तन कर सके, वो तो परिवर्तन कर ही नहीं सकेंगे। वहाँ जो जिस स्थान में वुहान में उनका समाधान थोड़ा बहुत हो गया तो बीजिंग में पुनः कोरोना वायरस फैल गया। तो इसलिए ये गुमराह जो है चीन शासक का हमेशा अब 21वीं शताब्दी में ना कर पाएंगे ना होगा। तो ये इसीलिए वो कोई चीन से जैसे ही मैंने कहा खतरा तो भी नहीं है, चीन से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन अपने आप में मजबूरी में कुछ न कुछ लोगों की दिशा को खींचने के लिए ये मजबूरी का एक इनका अपना लोगों को अपनी समाचार अपनी लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है।